عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهليه لن يدعهن الناس النياحة والطعن في الأحساب والعدوى أجرب بعير فأجرب مئة بعير मन अजरब अल्बिर व अनवा कदा व कदा हजर निगरामी सिलसिला हदसिस सह्यामी आज के हदीस जमाने जाहलीत के चार उमूर जो इस उम्मत में पाए जाएंगे नबी ने इन बातों की बड़ी मजम्मत फरमाई इसके ताल्लुक़ से हदीस सहिया की हदीस नंबर 735 और तिरमिज़ी मुसद अहमद और इसी तरह से मुसनद मुस्ंदी में ये रिवायत है रावी हदीस हज़रत अबू हुररा रदी अल्लाह तू वो फरमाते हैं कि ने सरशाद फरमाया जमाने जाहलीत के चार अवसाफ़ मेरी उम्मत में मौजूद रहेंगे और लोग इनको हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे लोग इनको हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे अब इसका मतलब ये नहीं कि देखो नबी ने कहा हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं यानी मतलब ये होता है कि तुम्हारे अंदर ये बातें होंगी तुम्हें एहतियात करना चाहिए इसको हवा मत दो परहेज़ करो गुरेज करो दूर रहो ये तुमसे होना चाहिए उसका मतलब ये नहीं कि भाई होगा तो हमें ऐसा ही करना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि होगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए नहीं नबी ने बताया ताकि हम एहतियात करें एहतियात करें तो जमाना है जाहलीत की इन बातों से हमें गुरेज और परहेज़ करना चाहिए एहतियात करना चाहिए वो क्या क्या बातें हैं पहली बात नबी ने फरमाया अनयाहा नौहा मातम करना नौहा मातम करना ये जमाने जाहिलियत का तरीका है मुशरकों में भी आज पाया जाता है मुश्रकों को देखेंगे कोई अगर मर जाए तो हा विला मचाते हैं चीखते चिल्लाते हैं पता नहीं क्या क्या करते हैं ये नौहा मातम करना नवाहा मातम की क्या क्या शक्लें होती है वो मैं आपको कदरे तफसील के साथ बता देता हूं ज़माने जाहलीत में नवाहा मातम का आगाज होता था मकत की मौत की इतला देने से वो कैसे कोई इंतकाल कर गया इंतकाल करने के बाद अब उसकी इतला देना वो भी नवाहा मातम में शामिल है कैसे अगर जमाने जाहिलियत के तरीके से आप उसकी इतला देते हैं तो ये नवाहा मातम में दाखिल है उस जमाने में क्या होता कोई मर गया तो गांव देहातों में पुराने जमाने में होता था कोई आता एक ढोल बजाता बजाने के बाद लोगों को जमा करता और जोर जोर से ऐलान करता फुला आदमी का इंतकाल हो गया ये जमाने जाहलीत का तरीका हम क्या करते हैं मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान करते हैं मोहल्ले में फुला आदमी का इंतकाल हो गया है फुला वक्त उसकी जनाजे की नमाज है फुला जगह पर है फुला जगह पर है क्या यह दुरुस्त है आप बताएं क्या जमाने जाहिलियत का तरीका नहीं हुआ वो उस जमाने में जो आवाज पहुंचाने का जरिया था उसके जरिए से पहुंचाते थे और हम भी स्पीकर के जरिए से पहुंचा रहे मस्जिद के जरिए से यह सलफ का तरीका नहीं है इससे हमें परहेज करना है नाहम आत्म में भी आ सकता है एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि प्यारे नबी वसल्लम ने मस्जिद में मैत की इत्तला दी है नजाशी का जब इंतकाल हुआ नबी ने मस्जिद में बैठ के कहा सामा इक्राम से देखो जी तुम्हारे भाई नजाशी का इंतकाल हो गया ऐसी सरज़मीन पे जहां किसी ने उनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जबकि वो इस्लाम कबूल कर चुके थे उनका इंतकाल हो गया चलो हम जनाजे की नमाज़ पढ़ेंगे गायबाना जनाजे की नमाज पढ़ेंगे ये अलग मसला है बना जनाजे की नमाज जायज है नहीं है कब जायज है उलामा ने इस सिलसिले में बहुत कुछ लिखा है वक्त मिला तो मैं बता दूंगा तो नबी ने यह जो नजाशी की मौत की इतला कहां दी मस्जिद में दी तो मस्जिद में मैयत की इतला दे सकते हैं नबी ने खुद दी है ना नबी ने जैसे दी आप वैसे दो हा नमाज के बाद आप कहो कि फिल आदमी का इंतकाल हो चुका है ठीक है यहां से ऐलान करो ओके लेकिन स्पीकर का इस्तेमाल मत करो स्पीकर का इस्तेमाल मत किया करो जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज गुम हो गई है उसका अनाउंसमेंट मस्जिद में कर सकते हैं नहीं कभी कभार कोई आते चिट जाते मेरे से बच्चा जरा गुम हो गया आप यहां से ऐलान कर दो तो हम लोग नहीं करते क्या आदमी है रहम करम नहीं है कुछ भी नहीं है अब उनको क्या पता है नबी ने मना किया गुम चीज कहीं बाहर गुम हुई है चीज और आप मस्जिद से ऐलान करो नबी ने कहा ऐसा नहीं, नहीं चलेगा खरीदो फरोख यहां पर नहीं मस्जिद में भावताओ खरीदो फरोख्त नहीं मस्जिद के अंदर कोई चीज गुम हो गई है और आप आपस में एक दूसरे को पूछ रहे हो आपको कुछ मिला है कोई आके पूछते हैं शिकवाद छोड़ के गया चश्मा छोड़ के गया छतरी छोड़ के गया मिला है हम बोलते हैं जाओ भाई पूछो माजिद साहब के पास या खादिमों के पास उनके पास शायद हो तो ये जो आप पूछ रहे हैं ये जायज है मस्जिद के अंदर है स्पीकर में आप कहना कि गुम हो गई फला चीज किसी को मिली तो दे दो ये जायज नहीं है ऐसे ही मौत की इतला यहां आप दीजिए यहां बताइए लेकिन स्पीकर का इस्तेमाल करना ये जमाने जाहलियत का तरीका है आज तो उसके अलावा मीडिया है उसके जरिए सब बताइए इंफॉर्म दे दीजिए यह हुआ अब मसला है नौहमा की और भी शक्लें बाद मैय के घर जाएं और उसके बाद उनको तसल्ली दें अच्छी बात है लेकिन खास महफिल मुनाकिद करना मैत को दफन करने के बाद मैत के घर वापस जाके खाने की महफिल सजाना साहब करम कहते हैं कुन्नो दोह मिन नियाहा हम इसको नौहा मातम शुमार करते थे तो मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं नौहा मातम की क्या क्या शक्लें हैं हम सिर्फ सोचते हैं चीखना चिल्लाना गिरेबान फाड़ लेना सीना नोच लेना चेहरा नोच लेना यही नौहा मातम नहीं वो तो है वो एक्सट्रीम है वो भी है लेकिन उसकी और भी शक्लें हैं मैयत को दफन करने के बाद मैयत के घर में खाने का अहतमाम करना यह मातम में साहबा इकराम ने शामिल किया है तो नहीं उसके घर में पकवान नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस पका के उनके घर में देना है और वो भी ऐसा नहीं कि आप इतना पका के अब क्या करते हैं उसके बाद क्या होता था कुछ हमारे यहाँ पर करते थे हमारे गांव में और अतराफ अतनाब में कोई इंतकाल हो गया वो अच्छा है तरीका गांव में जो है लोग बहुत मिले जुले रहते हैं जाहिरी तौर पर अच्छा तरीका लेकिन बातनी तौर से देखेंगे ना यही होता है कि आलिम ताड़ता है एक चीज को आप क्या करते देखते हैं एक चीज को जाहिरी तौर पर और जो नॉलेज रखता है ना उसको ताड़ता है कि ये कहां लेके चला जाएगा गांव में कोई इंतकाल हो जाए उस दिन कोई ड्यूटी पे नहीं जाएंगे कोई काम पर नहीं जाएंगे गरीब लोग हैं मजदूरी करते फिर भी नहीं जाएंगे हमारे गाँव का आदमी इंतकाल हो गया कोई नहीं जाएंगे सारे लोग रहेंगे और सारे लोग क्या करते हैं फिर कोई चावल दिया कोई दाल दिया कोई राशन दिया कोई तेल दिया कोई पानी कोई आ, पैसा दिया गांव में क्या घरों में होते हैं खेती करते हैं तो दे दिया सब जमा हुआ अब कुछ लोग क्या करते हैं एक खास जगह गांव में जो है जगह बहुत होती है खुले मैदान वहां पकाते हैं पकाने के बाद घर वाले नहीं वो गांव वाले कर लेते हैं पकाते हैं पकाने के बाद अब जितने लोग आए दूर दराज से मैयत को दफन करने के बाद वो जैसे यहाँ होता वहाँ पर भी वही है ऐलान करते हैं कब्रिस्तान में दफन के बाद भाई सबके लिए खाने के इंतज़ाम है चलो वहाँ जाकर अब दावतें शुरू होती हैं अब कहते हैं, भाई मैयत के घर वाले थोड़ी कर रहे हैं ये तो हम कर रहे हैं हमदर्दी में हम कर रहे हैं हमदर्दी में हाँ आप कर रहे हो हमदर्दी में लेकिन आप जिस मौके और मुनासिबत से कर रहे हो वो गलत है वो गलत है इसलिए हाँ आप पका के चलो ठीक है मैयत के घर वालों में से जो करीबी रिश्तेदार हैं जिनको घर में रहना है बेटे हैं बेटियां हैं भाई हैं बहन है और करीबी रिश्तेदार है मामू है चाचा है ताया ये लोग घर में रहेंगे उनके लिए इंतज़ाम अड़ोस पड़ोस वाले कर दें कोई नहीं किए किसी ने पका के दे दिया अच्छी बात है इतना हो सकता है लेकिन सारे लोग आए अब कहेंगे भाई आए हैं दूर दराज से कहाँ खाएंगे वारे वाह ये सिर्फ मैयत के वक्त में याद आता है आप क्या करते हो अपने काम से जाते हो नहीं जाते दूर दराज बेंगलोर लोग जो गांव दिहासों से बेंगलोर आते कि नहीं आते काम करने के लिए आप भी जाते नहीं जाते हो 200 300 400 किलोमीटर जाते हो हा? वहां जाकर क्या करते हो कोई आपके खाने के इंतजाम पका के रखता है होटल में खाते हो कि नहीं खाते हो अरे भाई नेकी कमाने आए हो होटल में खा लो या आपके कोई रिश्तेदार हैं आप अपने घर लेके जाओ नहीं तो होटल में खा के घर चले जाओ और उतनी दूर से काहे आते हो कि भाई उस आपके आने के लिए मैयत को यहां पर इंतजार करना है कुर्बो जवार से आ जाओ उतनी दूर से आना भी कोई जरूरी नहीं है कुर्बो जवार से आ जाओ और आने के बाद जो है फिर तदफीन करने के बाद घर चले जाओ घंटे में घर चले जाओगे अब बताओ एक दो घंटे में आप कहां से यहां से चले जाओगे तुमकुर चले जाओगे यहां यहाँ आप जो कोलार चले जाएंगे या मैसूर चले जाएंगे इतनी दूर तक ठीक है उससे ज्यादा दूर से आने की क्या जरूरत है आ रहे तो ठीक है अपने हिसाब से करके जाओ ये एक चीज गलत है मैय के घर में खाना पकवान दावत का एहतमाम शामिल है तीसरी एक चीज मैयत के दफन करने के बाद दो चार दिन बाद या चार दिन तक तीन दिन तक लोगों का ताना बाना लगा रहता है उसके बाद एक ताजियाती महफिल कायम होती है ताजियाती महफिल कायम होती है घरों में करते हैं बास कोई बड़ा आदमी इंतकाल हो गया उनके लिए ताजियत उनके लिए ताजियाती महफिल कायम करते हैं एक होता हाँ उन्होंने कुछ किया है उनकी याद में और जो है उनकी अच्छाइयों को सराहने के लिए बयान करने के लिए अच्छी बात है लेकिन उस ताजियाती महफिल में सोग मनाने की तरह बैठना बैठें उनकी खूबियों को याद करके रोएं सोग मनाएं हाँ कभी आपने ये किया और मतलब एक महफिल कायम करके नहीं आपने कभी आपके अजीज का इंतकाल हुआ कभी याद आए रो ली और बात है लेकिन बाकायदा उसके लिए महफिल सजाएं और महफिल सजाकर रोने रुलाने के महफिल मुनद हो यह जमाने जाहलीत का तरीका है ये जमाने जाहलीत का तरीका है हाँ देखो बड़े उलामा जो होते हैं ना कहाँ तक ताड़ते हैं और जानते हैं कि करीब में हमारे उस्ताद महतरम बहुत बड़े आलिम जो थे मौलाना हफीदुररहान आजमी उम्री मदनी हफीद रहीम नवासिया तो बहुत बड़े आलिम थे रहा और बहुत बेहतरीन मुराबी बेहतरीन उस्ताद और सबके सबके चाहने वाले वो ख़ुद सबके चाहिए थे जब उनके लिए मादर इलमी सलाम में उमराबाद में उनके ताज़ियाती महफिल मुनद किए तो जो वहाँ के शेखुल हदीस जिनसे हमने बुखारी पढ़ी है हदीस डॉक्टर अब्दुल्ला जोलम मरी मदिन हाफिदा बहुत बड़े आलिम माशा तो उन्होंने पहली शर्त यह रखी यह महफिल रोले रुलाने का नहीं होना चाहिए देखो महफिल रोने रुलाने का नहीं होना चाहिए उनके याद करके कोई रोए जस्मत एक होता है चलो ठीक है कुछ बातें बताएं याद आए रो लिए ठीक है लेकिन ऐसा आप ना बताएं कि सामने वालों को रुलाएं रोले रोने का रोने रुलाने की महफिल ना हो वो फिर वो नौहा मातम की तरह हो जाए देखो आलिम कहां तक सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कहां पाबंदी लगाते हैं तो ये नौ है मातम की चंद बातें जो मेरे दिमाग में थी और यहां हो रहा है जमाने जाहिलियत की चार बातें हैं और सारे हदीसों को मिला जाए लिया जाए तो पांच बातें होंगी उनमें से आज हमने सिर्फ़ एक ही को मालूम किया है बाकी इन शाला बाद में मालूम करेंगे दोआरबुलमिन से अल्लाह हमें और आपको इन कई सुनी बातों पर अमल करने की तोफ़ी फरमाएं जो गलत बातें उनसे और गुरेज़ करें नौहा मातम की एक शक्ल ये भी हो सकती है कि चार दिन में और चार दिन छोड़ के चालीस दिन में एक साल में बरसी मनाएं, फिर उसके बाद कुछ चहलुम करें ये बरसी चहलुम ये सब इसमें दाखिल हैं इनको से भी हमें परहेज़ करना चाहिए अल्लाह ताला सबको ने एक तोफ़ी कदा फ़रमाए आमीन